हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज अपन बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसके डेफिनेशन के बारे में एग्रीमेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के बारे में आज अपन कॉन्ट्रैक्ट क्यों देख रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी सिविल केस के लिए कोई भी सिविल केस आती है तो उसका उसका कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है कहीं ना कहीं से तो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज होता है फिर सिविल केस होती है या फिर कहीं ना कहीं से तो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है

कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो कुछ ना कुछ तो ऑब्लिकेशन आते हैं कुछ ना कुछ डेडलाइंस आते हैं उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है तो वही कहना है सालमन का सर क्या कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस विच कैन बी एनफोर्स इट कॉल्ड एज एग्रीमेंट वेरी सिंपल सो आप भी देखते हैं पिछले स्लाइड में आपने देखा कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट बहुत बार एग्रीमेंट शब्द आया था वर्ड आया था तो एग्रीमेंट होता क्या है तो ये भी एग्रीमेंट डिफाइंड क्शन टू ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये क्या कहता है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट मतलब प्रोमिस है सेट ऑफ प्रोमिस है कुछ consider, दोनों में, में कुछ कंसिडरेशन फॉर्म होते हैं मतलब मैंने कुछ प्रॉमिस किया आपने कुछ प्रोमिस किया उसके अंदर से कुछ कंसिडरेशन हुआ मतलब मैंने आपको चीज देने का प्रॉमिस किया आपने उसके बदले में कुछ मुझे वाई अमाउंट देने का प्रॉमिस किया कंसिडरेशन हो रहा है प्रॉमिस एक्सेप्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं हम एग्रीमेंट तो ऊपर सेक्शन टू ई में एवरी प्रोमिस मतलब प्रोमिस है प्रोमिस मतलब क्या होता है वो भी डिफाइन किया सेक्शन टू बी में क्या प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस मतलब मैंने कुछ आपको प्रपोज किया कि दिस इज अ प्रपोजल ऐसा ऐसा आइडिया है तो आपने एक्सेप्ट कर दिया उसे कहते हैं प्रोमिस सो अभी अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बेसिकली देर आर एट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स सो फर्स्ट वन क्या है एलिमेंट में से टू और मोर पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको बेसिकली तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है टू पर्सन होने चाहिए या फिर टू पार्टीज होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते कई कंडीशंस में सो देअर शुड बी अ पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल उसको कहते हैं प्रपोजल एंड देयर शुड बी वन पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रोमिस एंड इट इज कॉल्ड प्रपोजिल सो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो अगर होंगे तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब सक्सेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाओगे या कोई तो भी एक्स पर्सन ऑफर करना चाहिए कुछ काम करने के लिए और वाई पर्सन ने एक्सेप्ट करना चाहिए तो ही अपन कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है और वो भी कैसा मतलब सर्टेन होना चाहिए मतलब डेफिनेट होना चाहिए मतलब आप उस ए पर्सन को पता होना चाहिए कि मुझे इस इस वे में इस इस तरीके से इस प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर और द ऑफरर मतलब अगर मैं कुछ एक्स टाइम में मुझे एक्स अमाउंट एक, एक मुझे हाउस बिल्ड करना है एक्स टाइम में तो वो वाई पर्सन को पता होना चाहिए कि मुझे इस 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 वे में इस इस तरीके से इस इस मतलब इस फ्लोर का मतलब चार फ्लोर का बनाना है या फिर फाइव फ्लोर्स का हाउस बनाना है या फिर कौन सा क्वालिटी का मटेरियल यूज करना है वो सब कुछ पता होना चाहिए ऑफ मतलब ऑफर को प्रपोजर को मतलब बताना होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कुछ क्या नहीं होना चाहिए सब कुछ मेंशन करना चाहिए अपन कॉन्ट्रैक्ट में तो ही अपन कह सकते कि वो प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी इल्लिगल चीजों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता वो व्हाइट अब इंशू है मतलब वो स्टार्टिंग से ही व्हाइड है मतलब आप कहते हो कि मुझे इलीगल वेपन्स का मुझे चाहिए और उसके बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल है, लीग, है कॉन्ट्रैक्ट वो अब वो कॉन्ट्रेक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं लॉ के नजरों में तो आप देखते हैं थर्ड एलिमेंट वो क्या है इंटेंशन टू तो क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थर्ड वन इज इंटेंशन टू तो क्रिएट लीगल रिलेशन मतलब क्या दो पर्सन है वो एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए क्या क्लियर होना चाहिए क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब अगर और एक टाइम काइंड के रिलेशन कैसे है? मतलब एग्रीमेंट ऑफ सोशल मतलब आप कोई फ्रेंडली मैनर में कुछ काम करते हो आपके फ्रेंड्स के काम करते हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ एग्री होता है तो वो लीगल रिलेशनशिप उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने का या फिर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता है तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मतलब मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो डोमेस्टिक नेचर के है एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर नेचर डज नॉट गेट लीगल रिलेशनशिप्स और मतलब आप एक फेमस केस है फेमस केस लॉय बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 किंग बेंच ऑफ इंग्लैंड उन्होंने क्या कहता है उसमें एक हस्बैंड रहता है एक वाइफ रहती है हस्बैंड वाइफ को 30 पाउंड्स पर मंथ देने का वादा करता है उसका इंटेंशन ये नहीं था कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए वो सिर्फ प्रॉमिस करता है कि थर्टी पाउंड्स दे दूंगा मैं हर मंथ और थोड़े मंथ देता और बाद में वो पाउंड्स देना मतलब बंद कर देता है वो तो फिर वो वाइफ केस केस कर देती है वो हस्बैंड के खिलाफ क्या ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है तो लेकिन कोर्ट क्या किंग ऑफ बेंच किंग बेंच इंग्लैंड क्या डिसाइड करता है कि बाबा इनका लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था वो जस्ट एक फ्रेंडली मै फ्रेंडली मैनर में या फिर एक लवड वंस के लिए किया वाला एक प्रॉमिस था तो वो इंटेंशन नहीं था तो आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि लीगल रिलेशनशिप्स और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में मतलब क्या डिफरेंस होता है तो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ वन दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दिस मीन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको ऑब्जेक्ट है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू वॉन्ट ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट विच इज प्रोहिबिटेड सो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कंसिडरेशन है वो भी मतलब कुछ तो भी सर्टेन होना चाहिए या फिर इमेजिनरी कंसिडरेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए

उनका मेजोरिटी का एज है एटीन ईयर एंड दोज हु आर नॉट हैविंग द नेचुरल गार्डियंस मीन देर बाय कोर्ट और समथिंग अदर सो वो उनका मेजोरिटी का ईयर है ट्वेंटी वन मेजोरिटी सो ये सब पीपल ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टी नउ सिक्स एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वॉइड मतलब वॉइड मीन्स इट शुड नॉट बी वॉइड मतलब स्टार्टिंग से ही वो मतलब वॉइड नहीं होना चाहिए फिर मतलब कैंसिल नहीं होने चाहिए सो वी विल टॉक नाउ टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स विच आर एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मतलब क्या अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट में आ दो कि आप शादी नहीं करोगे या फिर मैरिज नहीं करोगे एक्स वाई जेड रीजन के लिए तो वो भी वॉइड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी सेवन क्या है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब आपकी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो आप मतलब आपको गोल्ड का बिजनेस करना है ज्वेलरी का बिजनेस करना है तो आप वो नहीं कर सकते हो या फिर आपको होटल इंडस्ट्री खोलना है तो आप वो नहीं कर सकते हो आप एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट में आते हो किसके साथ होटल इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हो तो वो भी वॉइड अभी ने मतलब वो है, है ही नहीं मतलब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी वन देर इज एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैसे देता है आपके कोई आपके सबसे पहले कोई लीगल राइट्स हार्म हुए हैं और अगर आपको कोई पैसे देता है कि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मत करो इंस्टिड ये लो आप ये पैसे रखो और आ, आपके साथ वो एग्रीमेंट में आता है कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है आप फिर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो आप फिर भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो यह आपका बेसिक राइट है आपका एक लीगल राइट right है नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ स्पेसिफाइड होना चाहिए मोड ऑफ मोड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह सब कुछ फॉर एग्जाम्पल की ए एग्रीज टू डिलीवर बी हंड्रेड टन ऑफ ऑयल फॉर एक्स अमाउंट दिस इज अनसर्टेनिटी क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि सिर्फ शब्द के वर्ड क्या यूज किया पाम ऑयल इट कैन बी अमंड ऑयल और एक्स वाइजेड अमाउंट ऑफ ऑइल या फिर पेट्रोलियम ऑयल भी हो सकता है वो तो दिस इज अनसर्टेनिटी सो दिज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वर्ड नेक्स्ट वन इज द एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी मतलब क्या वेजर मतलब क्या सट्टा या फिर कोई मतलब आईपीएल आईपीएल का सीजन है तो आईपीएल के ऊपर कोई लगाता है दिस टीम विल विन और दिस टीम विल विन सो दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर आल्सो वॉइड एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट मतलब इम्पॉसिबल एक्ट मतलब क्या बहुत से बहुत टाइम है मतलब आपके मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते वो कहते हैं मैं आपके लिए चांद तार भी तोड़ के ला सकता हूँ तो दिस सम वन कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एग्रीमेंट बिकॉज एक्सप्रेसलीड इट सो नो दिस इज नॉट अ एग्रीमेंट बिकॉज एक तो यहां पर लीगल रिलेशनशिप मतलब इंटेंट नहीं लीगल रिलेशन क्रिएट करने का और नेक्स्ट दट इट इज अम्पॉसिबल एक्ट हाउ कैन यू ब्रिंग द स्टार्स लाइक दैट सो होप आई हैप यू अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज दैट फ्री एंड जेन्युन कंसेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्री एंड जेन्यून कंसेंट तो जिसके बारे में आपने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया वाला है मतलब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करने वाला आप प्लीज मेरी इस प्ले में अपलोड कर दूंगा प्लीज आप जाके वो वीडियो फिर से देखिए मतलब एक शॉर्ट में आपको कंसेप्ट और भी देता हूँ फ्री एंड जेन्युन कंसेंट मतलब क्या दैट अ कंसेंट शुड नॉट बी ऑप्टेंड बाय मीन्स ऑफ कोरोजन एंड डू इंफ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक मतलब अपन फ्री कंसेंट कब कहते हैं कि मतलब आप जब आप धमकी नहीं देते हो या फिर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहता है फ्रॉड नहीं रहता है मिस्टेक नहीं रहता है तो उस टाइम को अपन कहते हैं फ्री कंसेंट तो वो फ्री कंसेंट होना चाहिए फ्री कंसेंट मतलब क्या मीटिंग ऑफ द माइंड मीटिंग ऑफ द माइंड मींस आप जैसा थिंक कर रहे उसी सेंस में आग, आगे वाला पर्सन नेक्स्ट पर्सन शुड एग्री यू दैट इज कंसेंसस एट इडम मतलब आप जिस वे में उसको प्रपोजल कर रहे उसी वे में वो एक्सेप्ट करना चाहिए वो कुछ दूसरे तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फिर दूसरे वे में वो उसको नहीं लेना चाहिए सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सर्टेनिटी मीन्स एज आई एक्सप्लेन आर रिलियर की सब कुछ सर्टेन होना चाहिए एक भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बिग्यूटी रहनी रह, चाहिए एम्बिग्यूटी मतलब कि कुछ क्लियर नहीं है या फिर कुछ एम्बिग्यूस वे में है

अगर वैसा होता है तो फिर फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सो दिस वॉज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट इन एंड एग्रीमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड अगली वीडियो में आप देखेंगे फ्री कंसेंट के बारे में फुल अपन डिस्कस करेंगे सब सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या फिर सिविल केसेस के बारे में बेसिक अपन कवर करने वाले सो आई होप आपको समझ में आए आपको इंटरेस्टिंग लगे इस टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है Thank you guys, thank you so much.